बीमार है, उसके लीवर में कमी है, उसको परहेज का खाना है, जल्द से जल्द हमारे बेटा को वापस घर पे भेज। मोदी योगी जी ये रिक्वेस्ट है हमारी, हमारे बच्चे को हमारे घर पे भेजो जल्द से जल्द विदेश निकाल के। पत्नी के साथ स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे ग्रेटर नोएडा के एक बिजनेसमैन के साथ अजीबोगरीब घटना हुई है। पति पत्नी को आबू धाबी एयरपोर्ट पर वहां की पुलिस ने रोक लिया और पत्नी को वापस भारत डिपोर्ट कर दिया, जबकि बिजनेसमैन को आबू धाबी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। वहां की पुलिस का कहना है कि एक अपराधी के साथ उनकी शक्ल मिलती है, जिसकी तलाश आबू धाबी पुलिस कर रही है। अब परिवार ने गौतम बुद्ध नगर, जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, विदेश मंत्रालय और आबू धाबी में भारतीय दूतावास से मदद मांगी है। ग्रेटर नोएडा में हबीबपुर गांव की रहने वाली उषा शर्मा ने बताया कि उनके पति प्रवीण कुमार सीमेंट और स्टील का कारोबार करते हैं। अंबुजा सीमेंट कंपनी ने दोनों पति पत्नी को स्विट्जरलैंड के टूर पर भेजा था। ये दोनों थॉमस कुक टूर्स लिमिटेड के जरिए 11 अक्टूबर को दिल्ली से स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हुए थे। एतिहाद एयरवेज के हवाई जहाज से प्रवीण और उषा शर्मा को स्विट्जरलैंड जाना था। ये फ्लाइट बीच में आबू धाबी एयरपोर्ट पर रुकी। इन लोगों को आबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से स्विट्जरलैंड के लिए दूसरी फ्लाइट पकड़नी थी, तभी आबू धाबी पुलिस ने प्रवीण शर्मा को रोक लिया। उनसे कहा गया कि आपकी शक्ल एक अपराधी से मिलती है। प्रवीण की पत्नी उषा शर्मा को आबू धाबी से भारत के लिए डिपोर्ट कर दिया गया। उषा शर्मा का कहना है कि उनके पति प्रवीण को किसी अपराधी से कोई लेना देना नहीं है। प्रवीण के खिलाफ कहीं कोई आपराधिक मुकदमा भी नहीं चल रहा है, वो सीधे साधे और सामान्य कारोबारी हैं। आबू धाबी पुलिस को गलत फहमी हुई है, उनके पति को गलत ढंग से बंधक बनाकर रखा गया है। को जाना था स्विट्जरलैंड था, यहाँ से गए हम आबू धाबी, वहाँ जाके उन्होंने जैसे ही प्लेन रुका 11 बजे वहाँ जाके, तो उन्होंने तुरंत आवाज लगाई उसमें, प्रवीण कुमार बाहर आ जाओ। एक बार हमने सोचा हमारा तो कोई गुनाह नहीं, कोई मतलब नहीं, पता नहीं कैसे आवाज लगी, हमको कुछ नहीं पता आवाज क्यों लगी। दोबारा आवाज लगी, हम अच्छी खासी बाहर निकले और हमने पूछी क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि दो CID वाले खड़े मिले कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तो इन्होंने पूछा कि क्यों क्या बात है, कि तुम्हारा फेस किसी से मैच कर रहा है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हम दोनों इनके साथ चले गए और उन्होंने वहाँ जाके इनका पासपोर्ट ले लिया। पासपोर्ट लेने के बाद हमें नहीं पता उन्होंने अंदर जाके क्या जाँच करी, फिर इनको अंदर ले गई। तो जब बाहर आए तो मैंने पूछी क्या बात हुई, तो उन्होंने बताया कि मेरी आँखें चेक करी थी इन्होंने, और उसके 2 घंटे बाद उन्होंने हमें छोड़ दिया। हम अच्छे अपने वापस लौट के आए, जैसे हम एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो वहां पे फिर मशीन ने आवाज करी और इन्होंने हमें वहीं रोक लिया। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास LY ने बताया कि मामले में विदेश मंत्रालय और दूतावास को मेल भेजा गया है, आबू धाबी पुलिस को गलत फहमी हुई है और इस मामले में लोकल पुलिस से भी पड़ताल कराई जा रही है। जो व्यक्ति है प्रवीण शर्मा है, इनके चरित्र सत्यापन भी कराई जा रही है। साथ ही में जो एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, हमारे गृह विभाग है और दूतावास है, उनको भी इनके जो आवेदन है और इन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया है उनको भी आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित किया है। प्रवीण शर्मा का पूरा परिवार विदेश मंत्रालय और आबू धाबी में भारतीय दूतावास से संपर्क में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी सुहास LY को भी उम्मीद है कि जल्दी ही प्रवीण शर्मा को आबू धाबी से भारत वापस भेज दिया जाएगा। दूसरी ओर प्रवीण शर्मा के परिजन इस घटना को लेकर बेहद परेशान हैं। पिछले 48 घंटों से परिवार के सदस्यों का प्रवीण शर्मा से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो आबू धाबी में किस हालत में है किसी को कोई जानकारी नहीं है। प्रवीण शर्मा का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वो अब से पहले कभी आबू धाबी नहीं गए, ऐसे में वहां अपराध करने का कोई औचित्य ही नहीं है। आबू धाबी पुलिस ने दूतावास को बताया कि जिस व्यक्ति से प्रवीण शर्मा की शक्ल मिलने की बात कही जा रही है वो केरल का निवासी है। पंजाब की स्ट्रीट टीवी के लिए गौतम बुद्ध नगर से गौरव गौर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।